हेलो फ्रेंड्स, आज अब बनाने वाले हैं डेकोरेटिव सुपारी। सो इसके लिए मैंने बॉल चेन यूज़ किए है और दो कलर्स यूज़ किए हैं, ब्लू और पिंक। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने नॉर्मल शेप का सुपारी लिए है और मैंने एक कुंदन लिया है स्टोन का, ब्लू बॉल चेन ली है और पिंक बॉल चेन ली है। आपको जो कलर अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। फेविकॉल यूज़ किया है मैंने। सबसे पहले तो हम फेविकॉल सुपारी पे स्प्रेड करेंगे अच्छे से। याद रखिएगा, ज़्यादा भी फेविकॉल यूज़ नहीं करना, नहीं तो हमारी जो कुंदन है या बॉल चेन है वो स्लिप हो सकती है। हमने ये डायमंड का कुंदन स्टिक कर दिया है। अब हम हमारी ब्लू बॉल चेन लेंगे और सिंपल हमें इसे फुल सुपारी पे घुमाना है। याद रखिए, हमें बिल्कुल हल्के हाथ से इसे घुमाना है क्योंकि फेविकॉल गीला है सो स्लिप हो सकता है, इसलिए हल्के हाथों से हमें इसे गोल गोल घुमाते रहना है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने राउंड वाइज चेन ली थी, लेकिन इस बार मैं फुल चेन ले रही हूँ। सिंपल आपको इसे घुमाना है हल्के हाथों से, बिल्कुल बिना जोर लगाए। सो ये हम ब्लू राउंड इस तरह से हाफ कंप्लीट करेंगे। ये ब्लू का हमारा फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया है। अब हम कलर चेंज करेंगे। आप चाहे तो फुल ब्लू से कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बीच में दूसरा कलर यूज़ किया है सो मैं यहाँ पे पिंक कलर यूज़ करूँगी। जहाँ पे आपने ब्लू को ख़त्म किया है वहीं से आपको पिंक स्टार्ट करना है। सो ये जिस तरह से ब्लू को आपने स्टिक किया है उसी तरह से आपको पिंक को आगे तक स्टिक करना है। पिंक रो हम यहाँ तक ही लेंगे। इसके बाद में हम वापस से ब्लू कंटिन्यू करेंगे ताकि ब्लू पिंक ब्लू का एक कॉम्बिनेशन बने। सो हम यहाँ से फेविकॉल और ऐड करके ब्लू बॉल वापस से हम ऐड करेंगे। सेम जहाँ से हमने पिंक ख़त्म की वहीं से हमें ब्लू को स्टार्ट करना है और सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। हमें फेविकॉल की हेल्प से उसे स्टिक करना है हल्के हाथ से। सो ये हमारी सुपारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए सूखने के लिए रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो पाए। ये हमारी सुपारी का फाइनल लुक है। ये पूरी तरह से सेट हो गई है। बहुत अच्छी लगती है जब हम इसे शादी में या किसी फंक्शन में पूजा में यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।